क्वेश्चन नंबर 2.12, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.300 किलोग्राम, टू गोल्ड पीसेज ऑफ मासेज 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स, व्हाट इज ए द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, बी द डिफरेंस इन द मासेज ऑफ द पीसेज टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा जा रहा है कि एक बॉक्स है जिसका मास आपको दिया हुआ है 2.300 किलोग्राम और दो गोल्ड पीसेज हैं, दोनों का मास आपको दिया हुआ है, पहले का 20.15 ग्राम और दूसरे का 20.17 ग्राम। क्लियर है? चूंकि मास किलोग्राम में दिया हुआ है तो इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा 0.02015 और लाइक दिस, इसको भी कन्वर्ट कर लिए। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछ रहा है कि मास, ये बॉक्स का टोटल मास कितना हो जाएगा अगर हम दोनों जो गोल्ड पीसेज है इसको बॉक्स के अंदर रख देते हैं, तो टोटल मास कितना हो जाएगा भाई? तो सिंपल क्या करेंगे, तीनों मास को हम ऐड करेंगे, बॉक्स का मास, पहले वाले गोल्ड पीस का मास और दूसरे वाले गोल्ड पीस के मास को ऐड करेंगे, सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.300 इतना किलोग्राम हो गया, दूसरे का वैल्यू आ गया 0.02015 किलोग्राम और तीसरे ये गोल्ड पीस का मास हो गया 0.02017 किलोग्राम हो जाएगा, आप समझ सकते हैं इतना। क्लियर है? इसको जब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह का इतना वैल्यू हम लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोगों को इसके फाइनल वैल्यू को बताना है, ये जो टोटल मास है इसका वैल्यू बताना है सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। तो स्टूडेंट कंसेप्ट क्या है, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों ही केस में, ठीक है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि जो फाइनल मेरा आंसर है, फाइनल जो वैल्यू मिला है कैलकुलेशन के बाद, उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, इस चीज़ को देखने के लिए स्टूडेंट हम क्या ध्यान देते हैं समझिएगा। उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि भाई आप जो जो डाटा यूज किए हैं उस चीज़ के कैलकुलेशन के लिए, तो ये तीनों वैल्यू हम लोग यूज किए हैं। अब इस तीनों वैल्यू में हम लोगों को डिसिमल प्लेस देखना है, जिसमें सबसे कम डिसिमल प्लेस होगा उतना ही डिसिमल प्लेस इसमें होगा, ध्यान दीजिएगा, और उतना ही इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। समझिएगा कंसेप्ट क्या है। देखिए अब यहां पर हम लोगों को देखना है डिसिमल प्लेस, मतलब यहां पर आपका देखिए ये 2.300 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देखना, सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देखना, क्योंकि आप यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखिएगा तो यहाँ पर ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, मतलब चार नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पर चार है, लेकिन वो नहीं देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, हम लोगों को देखना है कि डिसिमल के बाद कितना नॉन जीरो नंबर आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको इस केस में कितना आपका डिसिमल प्लेस जिसको हम कह सकते हैं, ये हो गया 1.3 है, 2.3। क्लियर है? इसको आप लिख सकते हैं ना, सिग्निफिकेंट वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है, इसको हम लिख सकते हैं 2.3 किलोग्राम। क्लियर है? तो इसमें डिसिमल प्लेस कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 20.15 ग्राम, तो भाई यहाँ पर तो भाई बहुत ही क्लियर है, ये दो डिसिमल प्लेस हो गया, यहाँ पर हम दोनों को कंसिडर करेंगे 1 और 5 दोनों को, तो डिसिमल प्लेस कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अच्छा इस वाले वैल्यू में देखिए 20.17, तो यहाँ भी 1 और 7 दोनों को कंसिडर करेंगे, तो इस वाले में केस में भी डिसिमल प्लेस का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो सबसे कम जो डिसिमल प्लेस का जो वैल्यू आया है कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब है कि फाइनल मेरा आंसर में भी डिसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। क्लियर बात है? एंड सो इसको हम लोग लिखेंगे, सिंपल इतना वैल्यू को रखेंगे 2.3 किलोग्राम, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बी पार्ट में हम लोगों को कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन द मासेज ऑफ गोल्ड पीसेज। अब दोनों जो गोल्ड पीसेज है उसके मास में कितना डिफरेंस है, बहुत ही आसान भाई, इसका मास ज़्यादा है तो ये M2 - M1 कर देते हैं, दिस इज 20.17 - 20.15, ऑब्वियसली ये कितना वैल्यू, ये वैल्यू आपका आ जाएगा ग्राम में, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.02 ग्राम। अब इसका जो फाइनल वैल्यू हम लोगों का ये लिखना है स्टूडेंट, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। अगेन हम लोग क्या देखेंगे भाई, डिसिमल प्लेस के हिसाब से, तो भाई यहाँ पर देखिए डिसिमल प्लेस के हिसाब से इसका डिसिमल प्लेस कितना था, 1 था, मतलब नॉन जीरो जो नंबर है वो डिसिमल के बाद ये 1 होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो ये 0 कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये 2 हो गया, मतलब आपको फाइनल आंसर यही रह जाएगा, 0.02 ग्राम इज योर फाइनल आंसर।